गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत शानदार लीडर, वेस्टीज के डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर कल्पेश राठौर जी, जो कि गुजरात के एक शहर नडियाड से बिलोंग करते हैं, आज हमारे लिए एक सेशन यहाँ करने जा रहे हैं। उनके सेशन को हमें बहुत ध्यान से सुनना है। और कल्पेश भाई, मैं चाहूंगा कि अभी मैं और कुछ बोलूँ, इससे बेटर है कि आप ही शुरू करिए। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आपके बारे में, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा, अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी बता करके फिर इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू कल्पेश भाई। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, और मुझे सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि मुझे मौका मिला आप लोगों से मिलने का। देखो, आज सारा माहौल थोड़ा नेगेटिव है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, कोविड की वजह से। बट कोविड ने हमें बहुत कुछ लॉसेस तो दिए हैं, लेकिन साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी दिए हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जूम, और जिसके बदौलत हम आज मिल रहे हैं। शायद अगर जूम नहीं होता तो आज ये घर बैठे हम ये पॉसिबल नहीं था। तो हर एक में से पॉजिटिव मैसेज लेना है, तो इसका कोविड का मैं अगर पॉजिटिव कुछ मैसेज लूं तो हमें एक टेक्नोलॉजी सिखाई जूम, जिसके जरिए घर बैठे हम हजारों लाखों लोगों से मिल सकते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी जूम माध्यम से मैं आप सब लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर, और मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों का हेल्थ का आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी एक थोड़ा खराब समय चल रहा है और कुछ दिन हमें निकालने हैं जिससे हम ये फेज से बाहर आ जाए और एक अच्छे माहौल में, हेल्दी माहौल में हम लोग जी पाए। और बहुत, मैं कहता हूँ कि ये दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोग दोबारा से नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करेंगे आने वाले समय के अंदर। दोस्तों, मैं ये अश्विनी जी स्क्रीन शेयर हो सकता है यहाँ से? मैं, हाँ, मैं कर देता हूँ। यस, आप अभी कर सकते हैं। आपके बोलने से पहले मैं बताऊं, ये शानदार घर जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये कल्पेश भाई ने वेस्टीज का जो है घर बनाया है। देखिए कितना, देखने से ही बाहर अच्छा लग रहा है, इसके अंदर रहने का मजा ही कुछ होगा। और बहुत बहुत आपको बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने अच्छे घर के लिए। अच्छा, आ रही है स्लाइड्स अभी? जी आ रही है, आ रही है ना, चलो, वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट। सो दोस्तों, जैसा आप सब लोग शायद काफी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग अभी हमारे कोविड में बॉर्न हुए हैं, यानी कि अभी पिछले एक डेढ़ साल में बॉर्न हुए, क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल से हमारी स्टेज की मीटिंग्स या ऑफलाइन मीटिंग्स जिसको हम कहते हैं वो बंद है, तो काफी लोगों से रूबरू मिलने का मौका नहीं मिला है। तो जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं पिछले एक आध साल में, उन लोगों को मैं थोड़ा एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि जिस पॉइंट को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर मुझे बात करनी है, उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो मैं ज्यादा समय उस पर देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मेरा नाम जो है कल्पेश राठौड़, मैं गुजरात के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, नडियाद आनंद के पास में, और एक सिंपली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अभी शायद वो क्लास चेंज हो गया है, मेरी ज्यादा एजुकेशन नहीं हो पाई, दसवीं में मुश्किल से पास हुआ, ग्यारहवीं में भी मुश्किल से पास हुआ, बारहवीं 5 बार ट्रायल लगा के मैंने उसको छोड़ दिया, फिर वहां से मेरा एजुकेशन बंद हो गया। तो पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा मेरी हो नहीं पाई, मैं एक एसडी पीसीओ के रूप में मैंने काम करना शुरू किया। माई अर्निंग जो कि एक एक्टिविटी, पैसा कमाने की शुरुआत एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में, और तभी मेरी मतलब के टच में, मेरे संपर्क में, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के टच में आया इन द ईयर ऑफ 1998, और 1998 में मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया। 10 साल मैंने काम करना उसके अंदर मैंने काम किया, और 10 साल शायद वेस्टी से भी बड़ी बड़ी कंपनी और 2 कंपनी के साथ मैंने काम किया, एक इंडियन और एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। लेकिन जो सफलता, जो सक्सेस, जो ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, जो अचीवमेंट मिलना चाहिए, जो इन शॉर्ट जो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, शायद वो नहीं नजर आ रहा था। तो 10 साल मैंने काम करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने छोड़ दिया और एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में मैं काम करने लगा था। और दोबारा मेरी मुलाकात वेस्टी से हुई 2010 के अंदर, नो एंड के अंदर,
और 2010 से मैंने वेस्टिज को सीरियसली शुरू किया। जब मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया उससे पहले मेरी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब थी, मैं करीब 4 लाख के आसपास कर्जे में डूबा हुआ था। शायद अगर मैं कहूँ कि 100 रुपया भी अगर चाहिए तो भी वो जेब से मिलना मुश्किल था, इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस मेरी लाइफ में चल रही थी। और तभी वेस्टिज मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आया और वहां से मैंने शुरुआत की। और 2010 में हमारे ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर और वेस्टिज के हमारे मेरे ग्रेट अपलाइन डायरेक्ट अपलाइन दीपल एंड नीलेश पत्रावाला जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया वेस्टिज से। और मिस्टर गौतम बाली सर जो इस समय गुजरात आए थे, उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया, एक विश्वास जगाया कि ये एक सिस्टम है, ये एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। तो उन पर मैंने भरोसा किया और मैंने वेस्टिज की जर्नी शुरू की। मेरा पहला चेक आया था 141 रुपये का आया था 2 महीने काम करने के बाद, और मेरा हाईएस्ट चेक 9,30,000 के आसपास वेस्टिज से पहुंच चुका है। 4 गाड़ियां वेस्टिज से ली है इंक्लूडिंग ऑडी Q3, और 13 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप जिसमें हम बहुत अश्विनी के साथ एंजॉय करते हैं फॉरेन ट्रिप में, प्रतिभा मैम और सब हम, तो बहुत अच्छा मतलब फॉरेन ट्रिप हमने वहां पे एंजॉय किया। और ये मेरे पहला चेक और हाईएस्ट चेक 9,29,000, और अभी एवरेज 8-9 लाख के आसपास चेक चल रहा है, जो अभी बहुत जल्दी 10 लाख के ऊपर चला जाएगा। देन गाड़ियों की अगर हम बात करें, कार मैं जब आया था वेस्टिज में 2 व्हीलर पे था, तो वेस्टिज में जब पहली कार मैंने हेंड्रो सेंट्रो 4 लाख रुपए की ली, उसके बाद वरना एक कार और ली 12 लाख रुपए की, फिर ऑडी Q3 और अभी एक छोटी कार निशान माइक्रा ऑटोमेटिक जो फैमिली कार हम चला रहे हैं। तो ये कार साथ साथ बहुत सारी फॉरेन ट्रिप, ऑस्ट्रेलिया है, बाली है, इंडोनेशिया है, क्रूज पे हम जब भी जाके आए थे लास्ट ट्रिप, तो बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स, अभी सारी डिटेल तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत एंजॉय किया लाइफ को और लाइफ स्टाइल को आज एंजॉय कर रहे हैं वैसे इस ईयर ये। और जो अश्विनी जी अभी बता रहे थे घर, अभी मैंने जस्ट कोविड में 2020 में इसका इनोग्रेशन किया, जो लगभग 1 करोड़ के ऊपर का एक बंगलो जो मेरा एक ड्रीम था वो जस्ट अभी कंप्लीट किया, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर आए थे उसके ओपनिंग या वास्तु पूजन जो हम कहते हैं। तो बहुत कुछ वेस्टिज से मुझे मिला है, और अभी तक की टोटल इनकम 4 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ के आसपास वेस्टिज से पहुंच रही है। तो ये सब अगर वेस्टिज का एक डिसीजन में अगर मैंने नहीं लिया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक डिसीजन की वजह से ये आज चीजें पॉसिबल हुई और आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वेस्टिज को करने के लिए जो मुझे शुरुआत में जो मुझे इंट्रो मिला था, वो हमारे वेस्टिज के ब्रांड एम्बेसडर और जो हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके जरिए मिला था। और वेस्टिज का एक मुझे प्रभावी मतलब कि जो शुरुआती आकर्षण रहा था वेस्टिज के अंदर, कि वो थे उसके अंदर हेल्थ सप्लीमेंट थे, क्योंकि मैं पिछले ही कंपनी में 8 साल एक हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी के अंदर काम कर चुका था, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे एक ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। और वही सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज के दौर में ये एक इन्फॉर्मेशन, ये इसकी कुछ जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस सेशन के ऊपर चलते हैं जो मेरा वेस्टिज का एक ग्रोथ था, क्या था, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज के दिनों में हमें समझना है कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं उसकी एक बेसिक डिटेल बताऊंगा, और अभी खास करके जो अभी कोविड फेज चल रहा है उसमें हमारे सप्लीमेंट क्या रोल प्ले कर सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहावत जरूर सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा जेब में माया। ये बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप जीवन में सबसे बड़ी सुख क्या है, संपत्ति क्या है, आपके पास पूंजी क्या है, तो हमारी शरीर है वो निरोगी रहना चाहिए। तो देखो दोस्तों, बहुत सही बात और सिंपल सी बात है कि अगर आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं और आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, तो वो आपको वो खुशी मजा एंजॉय लाइफ में नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक निरोगी काया होना बहुत जरूरी है, कि हेल्थ के बिना हम लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। से फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और आपके सामने 32 पकवान वाली थाली रखी है, तो उसमें आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मीठा खाना मना है, नमक वाला खाना मना है, वगैरह वगैरह। तो जनरली लाइफ में होता क्या है कि हम जिंदगी के अंदर, एक आम आदमी की जिंदगी में क्या होता है कि जिंदगी के शुरुआती दिनों में वो पैसा कमाने के लिए हेल्थ को कुर्बान करता है। हम सब लोग यही करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वड़ा पाव खा लिया, अगर हम सूरत की बात करें तो खमण खमणी लोचा खा लिया, पूरा दिन उसमें चला जाता है, फास्ट फूड, जंक फूड, मतलब कि एक ढंग से हम खाना नहीं खाते वो जो पोषण वाला, और मतलब कि ऐसे ही दौड़ धाम वाली जिंदगी हमारी हो जाती है, जिसमें हम पैसा तो कमा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वही पैसा आखिरी दिनों में चला जाता है। जब क्या होता है, आदमी के पास 50 साल 55 साल की एज होती है, तब पैसा तो हो जाता है, घर आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि वो जो हेल्थ गवाई है वो वहां पे उसको रिगेन करने के लिए वही पैसा वहां पे देना पड़ता है।
लेकिन वो हेल्थ क्या है, एक एसेट के समान है, आपके पास जितनी है उसको बचा के रखना है, संभालना है, मेंटेन करना है, वो गई हुई हेल्थ वापस आप जल्दी से नहीं ले सकते, तो आपको मेडिकल एक्सपेंस दवाइयों के पीछे बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आपके पास देखता है आदमी 60-65-70 साल की उम्र में सोचता है कि मैंने, मेरे पास हेल्थ भी नहीं रही, वेल्थ भी नहीं रही, तो अल्टीमेटली वो सोचता है कि मैं इस पृथ्वी पर आया ही क्यों था। तो दोनों में से शायद उसको कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों हम बहुत ही लकी है कि हम आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेस्टीज, और वेस्टीज के अंदर दोस्तों हम लकी इसलिए है कि हमें ये दोनों चीजें एक साथ कमाने का मौका मिलता है कि हम यहाँ पे हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं और उस हेल्थ के बारे में लोगों से जानकारी शेयर करके एक अच्छी वेल्थ भी यहाँ पे कमा सकते हैं। तो हम दोनों यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है जिसका नाम है वेस्टीज, और ये दोनों चीजें एक सेम टाइम पे हम एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए और बात करें तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम सब लोग हेल्दी हैं, यस और नो? शायद हम कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है कि हम हेल्दी भी नहीं है, हम अनहेल्दी भी नहीं है। अनहेल्दी कब लगता है लेबल? कि जब हमें कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जब कोई लेबल लग जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब तक लेबल नहीं लगता है तब तक हम अपने आप को हेल्दी मानते हैं। दोस्तों हम कंप्लीटली हेल्दी नहीं होते, हम उस स्टेज को हम कहते हैं कि इसके अंदर प्री इलनेस स्टेज। प्री इलनेस स्टेज यानी कि हम अगर अभी बीमार नहीं है लेकिन हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियों के लिए तैयारियां चल रही है लेकिन वो अभी आई नहीं है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं पाइपलाइन डिजीज, और प्री इलनेस स्टेट जिसको WHO की भाषा में कहते हैं। तो रिमेंबर फ्रेंड्स, एनी डिजीज और हेल्थ कंडीशन वो रातों रात डेवलप नहीं होते हैं। कि अगर आप कहते हैं कि अब बीमारी आ गई तो हम लोग ज्यादातर सरप्राइज कब होते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कहते हैं कि फला फला आदमी को हार्ट अटैक हो गया, हमें सरप्राइज होता था, अरे यार क्या हो गया, बहुत अच्छे बंगले थे, तंदुरुस्त थे, हम अगर उनकी फैमिली से बात करोगे तो क्या बोलेंगे, अरे कल तो बिल्कुल नहीं था, रात को आए ऑफिस से, बिजनेस से, खाना भी खाया अच्छे से, टीवी देखा, सबको गुड नाइट कह के सो गए और सुबह उठे ही नहीं। तो हमें लगता है यार अचानक कल रात तो कुछ था ही नहीं और अचानक ही हार्ट अटैक हो गई या फला फला बीमारी हो गई। तो कहते हैं दोस्तों कि ये बीमारियां कोई रातों रात डेवलप नहीं होती है, वो ग्रेजुअली बॉडी में डेवलप होती रहती है और हमें एक समय के बाद पता चलता है। तो हमारे सबके शरीर में भी ऐसे बहुत सारी तैयारियां चल रही है, हमें उसको अभी से रोकना है, इसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। मैं आगे और चल के उस पर बात करूंगा। तो हमें पता नहीं है अभी हमारे शरीर में क्या चल रहा है, तो उसके सामने हम कैसे फाइट कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अभी से आप डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं बोल सकते मुझे सर डायबिटिक लिस्ट बना के जाइए आप सूरत के या आपके सिटी के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास कि सर मुझे डायबिटीज ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, किडनी फेल ना हो, लीवर मेरा खराब ना हो, मुझे ये ना हो, उससे पहले कोरोना ना हो, अभी मान लो उससे, इसके लिए अभी से दवाइयां देना शुरू करो, मैं हेल्दी रहना चाहता हूं और मैं जल्दी ऊपर जाना नहीं चाहता हूं। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे सर? डॉक्टर बोलेंगे कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब हो जाए बाद में आना, हम बैठे हैं। तो डॉक्टरों का काम कब शुरू होता है? डॉक्टरों का काम जो होता है वो कुछ हो जाने के बाद शुरू होता है। जैसे आपने देखा होगा हिंदी फिल्म्स में या नॉर्मल उसमें, पुलिस का काम कब शुरू होता है? जब कुछ घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस का काम शुरू होता है, रोल शुरू होता है, लेकिन उससे पहले नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप 10 दिन बाहर जा रहे हैं और आप तो आपके सिटी के आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर बोले कि सर 2 कांस्टेबल मेरे घर पे भेज दीजिए मेरे घर का ध्यान रखने के लिए, तो क्या होता है? नहीं होता है। पुलिस वाला क्या बोलेंगे? सर आप बराबर ताला चाबी लगा के जाओ, बंद करके जाओ, खिड़की शीशी वगैरह, और अगर कुछ हो जाता है तो बाद में आकर रिपोर्ट करना, हम तहकीकात कर देंगे। तो जैसे पुलिस का काम ऐसा होता है, डॉक्टरों का काम भी ऐसा होता है, हमें अपनी हेल्थ का पहले से ध्यान रखना है। सेफ्टी सिक्योरिटी जैसे हम अपनी घर की करते हैं ऐसे अपनी हेल्थ की करना है। तो दोस्तों ये अभी हमें समझना है कि हेल्थ की मेंटेनेंस या हेल्थ की प्रिवेंशन हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। WHO के हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली वेलबींग है और उसके शरीर में कोई डिसीज या इन्फर्मिटी यानी कि कोई दुर्बलता वगैरह नहीं है, तो नहीं है, तो उसको हम कंप्लीट हेल्दी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस WHO की डेफिनेशन में आते हैं। हम सबको मैंने बताया कि प्री इलनेस स्टेज में आते हैं कि जहां पे अभी बीमारियां नहीं आई है लेकिन कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों हमें हेल्थ मेंटेन करनी है। और दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि हेल्थ सिनेरियो आज डे बाय डे वर्स्ट होता जा रहा है, डिटोरिएटिंग होता जा रहा है। कि आज बहुत सारी बीमारियां, आज डॉक्टर्स लोग मतलब कहते हैं कि जो बीमारियां पहले 50-60 की उम्र में आती थी आज वो 20-30-40 साल के अंदर आने लगी है। हार्ट अटैक तो आज कॉमन हो गया है, जैसे कि डायबिटीज घर घर में मिलता है, ब्लड प्रेशर की गोलियां, आज लोगों की लाइफ जो है दवाइयों के ऊपर चली जाने लगी है। आप सबके घर में पहले, अगर आपको पता होगा बड़े बुजुर्गों के, तो आप पूछ सकते हैं कि पहले घर में एक दवाइयों का छोटा डब्बा हुआ करता था, लेकिन आज क्या हो रहा है कि दवाइयों का डब्बा बड़ा होने लगा है और सबका अलग अलग भी डब्बा होने लगा है। हमारी इनकम का एक एक्सपेंस जो है
पर्टिकुलर एक्सपेंस वो अभी दवाइयों पे के पर मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर ज्यादा होने लगा है। तो हमारी मैंने लोगों को देखा है 20-22 मेडिसिन गोलियां खाते हैं सुबह खाए मतलब के नाश्ता करने के बाद लंच के बाद डिनर के बाद सोने के लिए गोलियां। तो लोगों की लाइफ अभी दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो रही है जबकि हमें कैसा हेल्थ चाहना चाहिए इंडिपेंडेंट हेल्थ। हमें दवाइयों गोलियों मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमें एक अच्छी हेल्थ को अपने आप में एंजॉय कर सके ऐसी हेल्थ हम चाहते हैं। लेकिन आज कुछ कारण है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा जिसकी वजह से शायद हम वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो आज बहुत ही हेल्थ सिनेरियो वर्स्ट होता जा रहा है। आज छोटे बच्चों में बहुत ही कम उम्र से बीमारियां होती है मैंने देखे हैं 6-7 साल के बच्चे 5 साल की सूरत में महावीर हॉस्पिटल में मैं बहुत साल पहले आया था वहां पे मैंने देखा था 5-4 साल के बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी हो रहे हैं। तो 4-5 साल के बच्चों की मैं जिस सिटी में रहता हूँ नडियाद वहां पे बहुत बड़ी किडनी हॉस्पिटल है रिसर्च इंस्टीट्यूट है और पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। तो हम देखते हैं वहां पे हमारे घर के पास में ही है तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनके मतलब की किडनियाँ 6-7 साल के बच्चे की किडनियाँ फेल होती है। तो क्या ये उम्र है किडनियाँ फेल होने की हार्ट अटैक आने की। तो दोस्तों आज आर्थराइटिस कैंसर लीवर बहुत सारी बीमारियां आज हमारे जीवन के हिस्सा बन चुकी है। तो लाइफ जो है वो आज स्पान जो है वो कम होता जा रहा है और प्रीमेच्योर डेथ यानी कि उम्र से पहले हमारी विकेट गिरने लगती है। आपको पता है मैं आपकी जानकारी कि हमारी लाइफ स्पान क्या है एग्जैक्टली हमारा शरीर एज पर द साइंस कहते हैं कि ये 120 साल तक चल सकता है। इतना वंडरफुल मशीन कुदरत ने बनाया है इट्स मैं अगर मानव शरीर के बारे में कहूँ तो इट्स अ वंडरफुल मशीन मेड बाय गॉड और वो हरता फिरता बोलता चलता घूमता एक बायोलॉजिकल मशीन है जो 100 साल से ज्यादा चल सकता है। लेकिन दोस्तों आज उस मशीन के साथ जो हो रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ जो हो रहा है जिसकी वजह से 40-50-60 में आज विकटें गिर रही है और 40-50-60 भी हम बीमारियों दवाइयों के साथ आज गिर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें जो हेल्थ आज हमारे शरीर में होनी चाहिए शायद वो नहीं है। चलिए देखते हैं क्या रीजंस है क्यों ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आज बिल्कुल सिंपल सी बात है जो आप समझ जाएंगे कि आज आप जानते हैं कि हमारा खाना जो है वो आज शुद्ध और पोषण वाला नहीं है। हमारे शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को सबसे पहले तो शुद्ध हवा चाहिए शुद्ध पानी चाहिए शुद्ध एवं पोषण वाला खाना चाहिए पूरा आराम चाहिए थोड़ा व्यायाम चाहिए। लेकिन आज हम ये सब चीजें शायद उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो एयर वाटर एंड फूड पोल्यूशन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आप सब लोग जानते हैं कि आज क्या हाल है हवा पानी और खुराक का। साथ साथ हवा शुद्ध नहीं है पानी भी आज शुद्ध नहीं मिल रहा है। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हमारा शरीर चलता है वो है हमारा खाना। भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हम क्या चीजें शरीर के अंदर हमारी जा रही है उस पर हमारी हेल्थ का डिपेंड होना बहुत सिंपल सी बात है। तो आज हम जो खाना खा रहे हैं ज्यादातर फास्ट फूड जंक फूड प्रोसेस फूड खा रहे हैं। फास्ट लाइफ हो गई जो बताया कि नो प्रॉपर टाइमिंग्स फॉर फूड। आज हमारा ब्रेकफास्ट का ठिकाना नहीं है लंच तो कई लोग ज्यादातर जो होते हैं सेल्स मार्केटिंग या अदर बिजनेस के अंदर उन लोगों को लंच तो नसीब में ही नहीं होता है शायद। तो कहने का मतलब है कि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा मेजर किलर बन रही है इन सब बीमारियों के लिए। तो लाइफस्टाइल आज सेडेंटरी हो गई है जो ज्यादातर फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। आज लोगों का ऑफिस में काम हो रहा है एसी टू एसी हो रहा है घर में भी एसी गाड़ी में भी एसी ऑफिस में भी एसी। तो कहने का मतलब है कि पसीना बहता ही नहीं है एक्सरसाइज रहती ही नहीं है। तो एक्सरसाइज नहीं है पूरा आराम नहीं है स्ट्रेस वाली जिंदगी है। और साथ साथ जो है कि ये इसकी वजह से क्या हो रहा है ये जब से जो का असर हो रहा है कि आज लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीज। जब भारत आजाद हुआ था 1950 के आसपास बात करें तो इंडियन मेडिकल जो सिस्टम था उसके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस थी पोलियो है टीबी है वगैरह इन्फेक्शन बेस्ड डिजीज से आदमी की मौत ज्यादा होती थी इंडिया में। लेकिन अभी सिनेरियो बदल गया है 50 सालों में। अभी जो है वो पोलियो टीबी पे तो हमने कंट्रोल कर लिया इन्फेक्शन पे लेकिन आज जो है लाइफ स्टाइल बेस्ड डिजीज मेजर किलर बन रहे। आज सबसे ज्यादा भारत में मृत्यु के कारण है हृदय रोग हो रही है कैंसर आ रहा है स्ट्रेस आ रही है स्ट्रेसफुल लाइफ। हम सब लोग तनाव में जीते हैं बच्चे से लेकर बूढ़े आप सभी लोगों को। तो स्ट्रेस वाली भाग दौड़ वाली जिंदगी है। दोस्तों स्ट्रेस जो है मैं एक पूरा टॉपिक एक घंटे का मैं उस पर बात नहीं करूंगा लेकिन स्ट्रेस जो मेजरली आपको बताऊं तो स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है लेकिन स्ट्रेस ऐसी सिचुएशन है कि जहां से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। स्ट्रेस मैं कहूंगा एक ब्रिज होता है एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में वहां से शुरुआत होती है। तो आज छोटे बच्चों को भी देखो तो वो स्ट्रेस में तो बच्चे आज अभी तो स्कूल बंद है बच्चों का लेकिन बच्चे अब बोलते हैं कि पापा मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है। मम्मी पूछे कि क्यों तो बोले आज मेरा सर दुख रहा है मेरे को भूख आ रहा है ये है वो है बच्चे बहाने कर रहे हैं। पता है कारण क्या है कि बच्चे ने वो होमवर्क नहीं किया जो टीचर ने मैडम ने
दिया था, इसकी वजह से वो डरता है, स्ट्रेस में है कि मैडम डांटेगी मारेगी वगैरह वगैरह। तो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोग आज स्ट्रेस में जी रहे हैं। अगर आज की लाइफस्टाइल के बारे में दोस्तों कहना है तो ऐसे कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ हरी वरी एंड करी। हरी वरी यानी कि हरी यानी कि फास्ट लाइफ हो गई है, वरी यानी कि स्ट्रेस हो गया, करी यानी कि टेस्टी फूड जो आज हम खा रहे हैं। दोस्तों हम आज जो खा रहे हैं वो शरीर के लिए नहीं खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं? चीप के लिए खा रहे हैं। आज पिज्जा, पानी पूरी, बर्गर, पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन फास्ट फूड ये कौन मांग रहा है? ये यहाँ से आवाज आती है, अंदर से तो कोई आवाज नहीं आती, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, उसको तो हमारे मैकेनिज्म को तो एक ही चीज समझ में आती है कि ऊपर से जो आता है उसका एक ही पोस्टमार्टम होता है कि काम की चीज क्या है, कचरा क्या है। दो भागों में बांट देता है शरीर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। काम का जो होगा वो ले लेगा, कचरा बाहर फेंक देगा। तो आज दुर्भाग्य से काम की चीजें कम जा रही है और टॉक्सिन्स मतलब कि कचरा ज्यादा जा रहा है। तो हरी भरी एंड करी अल्टीमेटली वी गेट बरीड, बहुत जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यही हमारी आज की रियलिटी है। तो ये आज की क्या सिनेरियो जो मैंने बताया क्यों ये हो रहा है उसके कुछ बेसिक रीजन पे हमने कुछ डिस्कस किया। नाउ व्हाट टू डू, समस्या तो है मान लिया, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो सो आज जो हम सब लोग इससे एग्री तो करते हैं लेकिन वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, हमारे हाथ में ज्यादा कंट्रोल नहीं है। हम क्योंकि हम हवा नहीं बदल सकते, वी कैन नॉट चेंज एयर, वी कैन नॉट चेंज वाटर, हम पानी को नहीं बदल सकते, हम खानों को नहीं बदल सकते, ज्यादातर हमारी लाइफ स्टाइल को भी हम चेंज नहीं कर सकते, और हम हमारे शरीर में जो कचरा जा रहा है, जहर जा रहा है, पॉल्यूशन जा रहा है, उसको भी शायद हम इतना रोक नहीं सकते। तो हम वातावरण के अंदर जो पॉल्यूशन है आज, केमिकल्स हैं या जो भी हमारे उससे निकलता है, वाहनों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, वो पोल्यूशन को भी हम रोक नहीं सकते। तो दोस्तों ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, खाना बदलना, पानी बदलना, हवा बदलना, हमारी जीवन शैली को बदलना, ये सब चीजें हमारे हमारी आदतों को कंट्रोल करना शायद थोड़ा हमारे हाथ में, लेकिन मेजर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे हाथों में है दोस्तों कि डिटॉक्सिफिकेशन सबसे मेजर चीज हमारे हाथ में है कि हम कचरे को जाता हुआ रोक नहीं सकते, लेकिन कचरा जो आ गया है उसको बाहर तो निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर हम बात करें, आप घर को कितना भी एयर टाइट कर लो, कितने भी खिड़की शीशे बंद रखो, शीशे खिड़कियां वगैरह बंद रखो, लेकिन आप रोज सुबह उठ के देखेंगे आपके घर में डस्ट आ जाती है, कचरा आ जाता है। तो उसका क्या सलूशन है, हम रोज सुबह झाड़ू लगाते हैं, वैक्यूम क्लीनर से साफ करते हैं, क्योंकि घर को हमें साफ रखना है। तो ऐसे शरीर को भी हमें साफ रखना है, जो चीजें अंदर चली गई है उसको भी तो निकालना है, क्योंकि हमारा शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है उसको हमें ज्यादा मदद करनी है, जिससे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन गए हैं हवा पानी खुराक से उसको ये बाहर निकाल सके। प्रिवेंशन यानी कि बचाव के ऊपर हमें सोचना है। हम अमर बीमारियों को आते नहीं रोक सकते लेकिन उससे बच सकते हैं, तो प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देखना है। नरिशमेंट यानी कि हमारे बॉडी के जो सेल्स है, ऊपर आगे बात करूंगा मैं, तो उसको एक नरिशमेंट माउजर जिसको हम बोलते हैं नर्चर करना है, जिससे हमारा बॉडी अच्छी हेल्थ को फील कर सके। एक्सटर्नल न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूड सप्लीमेंट, अगर हमारे खानों से भोजन नहीं मिल रहा है तो हमें बाहर से सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जिससे हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो। एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, योगा है, मेडिटेशन है, वो सब चीजें हमें हेल्प करेगी अच्छा हेल्थ, बेटर लाइफ को जीने के लिए। दिस इज द ओनली सोल्यूशन इन अवर हेल्थ फॉर गुड हेल्थ। लेट्स सी कैसे हो सकता है, एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऐसे सोल्यूशन ऑफ थिंग्स वी हैव सीन, वेस्टीज हैज इंट्रोड्यूस सीएनटी। दोस्तों वेस्टीज ने हमारे लिए ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया, थेरापी को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है सीएनटी, सेलुलर नरिशमेंट थेरापी, जो 2004 में वेस्टीज आप सब लोग जानते हैं एक विजनरी कंपनी है, और मैनेजमेंट को पता था, हमारे एमडी सर को पता था कि इंडिया में क्या चीज की जरूरत है, तो उन्होंने 2004 में ये शब्द को इंट्रोड्यूस किया था और जिसका नाम है सेलुलर नरिशमेंट थेरापी, कोशिकीय पोषण चिकित्सा जिसको हम कह सकते हैं। हमारा बॉडी जो है दोस्तों, ये सिंपल साइंस समझने की कोशिश करिए, हमारा बॉडी जो है वो कैसे बनता है, किससे बनता है, सेल से बनता है। वन फादर सेल वन मदर सेल, दोनों का मिलन होकर हमारी शुरुआत जो होती है वो एक सेल के रूप में शुरुआत होती है। एक सेल्स में से दो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स में से, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारे सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन के अगर हम नाम दें तो किडनी, लिवर, ब्रेन, ये हमारे ऑर्गन्स हैं, और सिस्टम के अगर नाम दें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वगैरह वगैरह, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर पूरा एक बॉडी बनता है, और ये प्रोसेस 9 महीना चलता है, और फिर एक ह्यूमन बॉडी का जन्म होता है। तो ये हमारे जन्म की कहानी है। तो अल्टीमेटली विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएं, एग्जैक्टली अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो 63 ट्रिलियन सेल्स मेड अवर बॉडी।
तो हमारा शरीर का जो फंडामेंटल यूनिट है उसको अगर उसकी हेल्थ के ऊपर हम काम करेंगे तो हम बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमम हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे सेल्स हेल्दी हैं तो टिश्यूज हेल्दी रहेंगे, टिश्यूज हेल्दी हैं तो ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन हेल्दी है तो सिस्टम हेल्दी रहेगा, और सिस्टम अगर हेल्दी है हमारे सारे तो हमारा पूरा बॉडी हेल्दी रह सकता है। और हमारे सेल्स को क्या चाहिए, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए और डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए उसके अंदर से, जिससे वो हमारे सेल्स जो हैं वो अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाए। तो ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है हमसे, लेकिन जो कारण हमने देखे उसकी वजह से हमारे सेल्स फंक्शन, हमारे बॉडी फंक्शंस को अपना काम करने में बाधाएं आती है, दिक्कत आती है, और धीरे धीरे एक प्रोसेस के बाद कुछ बीमारियां प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो वेस्टीज की हमने बात करें तो दोस्तों इतने फैंटास्टिक सप्लीमेंट आज की हमारी जो जीवनचर्या है उसके अतिरिक्त उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए लॉन्च किए हैं कि जिससे हमारे पूरे बॉडी और माइंड को हम अच्छी हेल्थ दे पाए। वेस्टीज एज ए कंप्लीट रेंज ऑफ सप्लीमेंट फॉर एंटायर बॉडी एंड माइंड। वेस्टीज के जो हमारे सप्लीमेंट्स है वो रिसर्चेड है, टेस्टेड है एंड प्रूवन है वर्ल्ड वाइड। दोस्तों ये जो आज आप सप्लीमेंट खा रहे हैं, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन कि जो पहले खाने जा रहे हैं, आपसे पहले लाखों करोड़ों लोग खा चुके हैं, उसके बहुत रिसर्च हो चुके हैं और टेस्टेड है, लाखों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है और पूरी दुनिया में ये साबित हो चुके हैं। ऐसे प्रोडक्ट वेस्टीज हमारे लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है टाइम टू टाइम, बेस्ट क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एंड कंपेटिटिव प्राइस। क्वालिटी में भी बेस्ट है, अफोर्डेबल है, जो समाज के ज्यादातर लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों की तुलना में हमारे कंपेटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल है, और कुछ प्रोडक्ट हमारे जो प्राइम कैटेगरी में वो यूनिक है, जो इंडिया में किसी नेटवर्क कंपनी या ट्रेडिशनल मार्केट में भी आपको अवेलेबल नहीं होंगे। साथ साथ मुझे अच्छी बात यह कि दोस्तों ये टोटली इंडिया मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, हमारे भारत में ही बनते हैं। हाँ, GMP ISO 9001 FDA हलाल सर्टिफाइड ये सब हमारे प्रोडक्ट को मिल चुके हैं। वैसे ये मेंबर ऑफ हेल्थ फूड्स एंड डाइट सप्लीमेंट एसोसिएशन, ये सारी चीजें आप CNT में जानते ही है। एक यूनिक वेराइटी ऑफ सप्लीमेंट रेंज अंडर वन अम्ब्रेला। दोस्तों कुछ कंपनियां मार्केट में देखते होंगे कि जो कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर चलती है, कुछ कंपनियां हैं मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में काम कर रही है, सिर्फ मोटा पतला करने के ऊपर काम कर रही है, उनके प्रोडक्ट कुछ उस तरह से डिजाइन होते हैं, कुछ और सेगमेंट के भी प्रोडक्ट होते हैं स्पेसिफिक सेगमेंट के। लेकिन वेस्टीज के पास क्या है कि हमारे पास दोस्तों सारी वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट है, हमें एक ही अम्ब्रेला के नीचे अलग अलग कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें किसी के पास लेना जाना नहीं पड़ता, हमारी बॉडी की सारी जरूरतें पूरी कर सके ऐसी एक कंप्लीट रेंज वेस्टीज के पास है। तो दोस्तों बहुत सारी कैटेगरी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट है, चलिए हम बारी बारी कर देखते हैं। सबसे पहले वेस्टीज प्राइम हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी है। वेस्टीज प्राइम जो है वो इंडिया में किसी भी मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्राइम मतलब हमारी स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट वेस्टीज ने लॉन्च किए हैं जो वेस्टीज के अलावा कहीं आपको नहीं मिलेंगे। हार्ट के लिए हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है प्रो हार्ट करके, ग्लाइसेमिक यानी कि शुगर के लिए प्रोडक्ट है, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए यानी कि हमारे हड्डियों और जॉइंट्स के लिए प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इम्यूनिटी बूस्ट, जो आज पूरे वर्ल्ड में एक ही शब्द आप सुनोगे मीडिया में और कहीं पे भी जाओ, इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है और हमारे प्रोडक्ट क्या काम करते हैं उस पर मैं आज बात करूंगा। डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन यानी कि जो मैंने बताया था कि टॉक्सिन्स आते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, और हमारे सेल्स को एक रिजुवेनेशन करने के लिए, उसकी सेल्स को नरिश करने के, नर्चर करने के लिए कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास। फिटनेस एंड डाइट, हमारे बॉडी फिट रहे और हमारे कुछ न्यूट्रिशन मिले, ऐसे डाइट प्रोडक्ट भी है। वुमेन्स हेल्थ, भारत के अंदर महिलाओं को, हमारी महिलाओं को एक अच्छी हेल्थ देने वाले कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जो महिलाओं की बॉडी के रिक्वायर्ड हैं, ऐसे प्रोडक्ट की भी हमारे पास एक रेंज है। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी सारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिस पर आज हमें जरूरत है बात करने की वो है इम्यूनिटी बूस्ट, जिसके ऊपर बात करेंगे। ये वही है डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन, प्रो हार्ट, ग्लाइसेमिक यानी कि शुगर के लिए, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, वुमेन्स हेल्थ एंड वेस्टीज प्राइम। चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर। इम्यूनिटी क्यों जरूरी है दोस्तों, इम्यूनिटी का क्या रोल होता है, मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कुदरत ने, ऊपर वाले ने जब हमें पैदा किया है तो हमें एक वंडरफुल पावर और एक कुछ एबिलिटी के साथ हमें पैदा किया है, हमारी बॉडी के अंदर वो क्षमताएं दी है जिससे हमारा शरीर ऐसी हार्मफुल थिंग्स जो हमारे शरीर में दाखिल होती है, हमारे वातावरण से होती है, खाने पीने से या कहीं से भी हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण जो करती है, अटैक करती है, उस पर उसके सामने लड़ने के लिए कुछ शक्तियां, कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसी एबिलिटी कुदरत ने हमें दी है जिसको हम कह सकते हैं बॉडी डिफेंस पावर, इम्यूनिटी रेजिस्टेंट पावर,
बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं, लेकिन जो इम्यून सिस्टम है उसका रोल क्या है, चलिए हमें समझते हैं। इम्यून सिस्टम फाइट्स अगेंस्ट देम एंड ट्राई टू सेव अस, यानी कि हमें बचाव करने के लिए, उसके सामने लड़ने के लिए, हमें बचाव करने के लिए ये सिस्टम को कुदरत ने बनाया है। और साइंटिफिकली इसको कहते हैं, अगर हम उसके नाम इम्यून सिस्टम, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर, कोई अंदर कोई ऐसा मशीन नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन कुछ हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है हमारे ब्लड के अंदर, और वो जो होते हैं हमारे सैनिक होते हैं, आर्मीज होते हैं। मैं एग्जांपल से आपको ज्यादा तरीके अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। अगर उसके कुछ नाम दे रहे तो WBC है, मैक्रोफेजेस है, किलर सेल्स, टी किलर सेल्स, ये सब साइंटिफिक टर्म में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल आदमी समझ सके ऐसी भाषा में अगर हम बात करूं तो उदाहरण से आप ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे हम भारत में जीते हैं या दुनिया में हमारे नागरिकों के लिए, भारत की अगर हम बात करें, हमारे नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने एक सिस्टम बनाई है। अगर मान लीजिए आपके एरिया में, आपके आसपास कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ घटना बनती है, तो सबसे पहले कौन आ जाता है हरकत में, कौन बचाने के लिए आ जाता है, मदद करने के लिए? पुलिस आ जाती है, लोकल पुलिस आ जाती है, और वो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर है, तो किसको बुलाएंगे? उनकी एक हायर अथॉरिटी होती है, SRP CRP वगैरह को बुला लेंगे, वो लोग आ जाएंगे एक्शन पे। अगर मान लिया उनसे भी कंट्रोल नहीं होता तो कौन आ जाता है, किसको बुलाया जाता है? आर्मी को बुलाया जाता है। आर्मी को आ जाती है और देखते हैं कि आर्मी से भी अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो एक और स्पेशल कमांडो फोर्स है हमारी, जिसको कहते हैं ब्लैक कैट कमांडो। अभी याद होगा आपको, गुजरात में कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, अक्षरधाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहां पे स्पेशल कमांडो टीम बुलाई गई थी, NSG कमांडो जिसको हम कहते हैं। उन्होंने कुछ घंटों में ये पूरा ऑपरेशन करके टेररिस्ट को खत्म कर दिया था। तो जैसे हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक स्टेज वाइज एक डिफेंस मैकेनिज्म है पूरे हमारे लोगों के लिए, ऐसे ही हमारे शरीर में लाइक दैट ऐसे ही होता है। अगर कुछ चीज आ जाती है तो सबसे पहले WBC हरकत में आ जाता है। अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ऊपर मैसेज पिला जाता है, उसके ऊपर मैसेज चला जाता है, तो पूरी सिस्टम काम में लगती है ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, निकालने के लिए, उस पर कंट्रोल लेने के लिए। तो ये जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं दोस्तों, ये क्या होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए। हमारी अगर आर्मी है मान लीजिए, और हमारी आर्मी है अगर वो सालों से आइडियल पड़ी रहे, आपको पता है आर्मी के अंदर भी हर रोज उनको प्रैक्टिस होती है, रोज उनको एक्सरसाइज वगैरह, उनको रोज एक्टिव करना है, मॉक ड्रिल वगैरह होते हैं। क्यों होते हैं? कि अगर अचानक हमला हो जाए तो हमारे जो है वो सोल्जर्स वो पीछे ना रह जाए, वो फटाक से उसको रिस्पॉन्ड कर पाए, इसीलिए उनको डेली फिटनेस उनका होता है। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी हमें एक्टिव एंड स्ट्रांग रखना है, जिससे अचानक हमारे शरीर के ऊपर कुछ अटैक हो गया तो उसके सामने वो लड़ने के लिए तैयार रहे। तो दे आर अवर सोल्जर आर्म फोर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन एंड अटैक्स ऑन अवर बॉडी। इम्यून सिस्टम में से कैपेसिटी टू एनकाउंटर विद एनी अटैक्स ऑन अवर बॉडी। दोस्तों इतना पावरफुल सिस्टम है, आप लोगों को पता है एक बीमारी के नाम कैंसर। आपको पता है कि हमारी बॉडी में एवरी सेकेंड कैंसर पैदा करने वाले जो होता है, कैंसर या सेल्स पैदा होता है, लेकिन दोस्तों वो इतनी निग्लिजिबल अमाउंट में होता है, हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उन पर कंट्रोल कर लेता है और हमें कैंसर होने नहीं देता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को हमारी बॉडी हमें बचाने के लिए हमारी बॉडी करती है हमारे लिए, लेकिन हमारी सिस्टम को हमें एक्यूपाई रखना है, मतलब कि उसको स्ट्रांग रखना है। उसके हाथ में हमेशा AK-47 AK-56 रहना चाहिए, जिससे हमारे कोई भी दुश्मन हमारे बॉडी के ऊपर आते हैं उसको वो कंट्रोल कर सके, उसके सामने वो फाइट कर सके। तो कैसे हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं? दोस्तों नेचर ने हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट गिफ्ट किए हैं जिससे हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, और वो हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों आज कोविड आया है और इसकी वजह से हम इम्यूनिटी कर रहे हैं, लेकिन क्या कोविड के बाद कुछ और नहीं आएगा? कुछ और चीजों के ऊपर हमारे बॉडी को जरूरत नहीं पड़ेगी? दोस्तों हमेशा हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। तो इम्यून सिस्टम को आप लंबे समय तक हेल्दी रख पाए, इसको सॉरी एक्टिव कर रख पाए, तो इसके लिए कुछ प्रोडक्ट वेस्टेज ने हमें इंट्रोड्यूस किए हैं वेस्टेज कैटेगरी में। चलिए देखते हैं वो प्रोडक्ट का क्या रोल है। उसमें सबसे पहले जो 5 प्रोडक्ट है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी में, उसमें सबसे पहले स्प्रोना आता है, नोनी, एलोवेरा, कोलोस्ट्रम और आंवला। ये 5 प्रोडक्ट का क्या रोल है, लेट्स सी वन बाय वन। स्प्रोना, अगर स्प्रोना की बात करें तो स्प्रोना इज अ नेचर्स बेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड। 3.6 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर उसकी पैदावार हुई है। वैज्ञानिक लोग ये साबित कर चुके हैं इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला होने वाला सजीव अगर कोई था तो ये स्प्रोना थी। पानी के अंदर कुदरत ने इसको पैदा किया, फिर सारी जीव सृष्टि शुरुआत हुई और उसके बाद पूरी पृथ्वी शुरुआत हुई। तो कहने का मतलब है कि इतना पुराना उसका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी के ऊपर है। ऐसा एक ब्लू ग्रीन एल्गी जो पानी के अंदर होता है वो हमारे मानव शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इसको वैज्ञानिकों ने सुपर फूड कहा है. WHO, यूनेस्को, नासा, अमेरिकन फूड एंड ड्रग, बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं उसको हाईली रिकमेंड करती है. और ये सुपर फूड है. क्यों सुपर फूड है? कि हमारे शरीर को जो पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इसके अंदर है. इसके अंदर 59 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर कुदरत ने दिया हुआ है. इट्स अ वंडरफुल थिंग दोस्तों. एक सिंगल प्रोडक्ट में आज तक इतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू कहीं नहीं देखी गई दोस्तों. आज मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट मिलते हैं, आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, डायटरी सप्लीमेंट वगैरह, और कहते हैं कि विटामिन है, जिंक है, बहुत सारी चीजें दोस्तों. लेकिन उसके अंदर और हमारी स्पिरुलिना में फर्क क्या है पता है दोस्तों? वो सारा लोग वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मैन मेड प्रोडक्ट है, ये गॉड मेड प्रोडक्ट है. मैन मेड और गॉड मेड में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों. एक ही ये सिंगल चीज में सब कुछ एक साथ कुदरत ने दिया हुआ है. वहां पे कैसे बनाया जाता है, विटामिन ए कहाँ से लेंगे, विटामिन बी कहाँ से लिया, और ऐसे करके एक प्रोडक्ट बना के हमें देते हैं. तो वो जितना फायदा कर सकता है उससे कई गुना ज्यादा ये नेचर का प्रोडक्ट हमें फायदा कर सकता है. तो ये जो हमारे खानों से आज हम कहते हैं सबसे पहले कमी क्या है, पोषक तत्वों की कमी है दोस्तों. शरीर को अगर अच्छा पोषण नहीं मिला तो क्या होगा, शरीर का अंदर से जो है हेल्थ ठीक नहीं रहेगा. तो सबसे पहले हमारे शरीर को जरूरत है एक अच्छा पोषण, एक न्यूट्रिशन खाना. जो भोजन से नहीं मिल रहा है तो हमें बाहर से सप्लीमेंट लेना है. उसमें नंबर वन प्रोडक्ट वर्ल्ड में अगर कोई है उसका नाम है स्पिरुलिना. स्पिरुलिना इज अ सिंगल प्लांट कंटेन जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो दुनिया में कोई ऐसी चीज सिंगल नहीं है जिसके अंदर इतनी सारी मात्रा में एक साथ न्यूट्रिशन है. द ग्रेटेस्ट फूड ऑन द अर्थ उस पर कहा गया है. हमारे DLCP के ऊपर एक स्पिरुलिना के ऊपर एक बुक मिलती है. आप इसको अगर ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो पूरी दुनिया के अलग अलग जो रूटीन फूड हमारे उसके अंदर कंपेयर करके बताया कि अगर आप इतना ये खाते हैं तो कितना मिलता है प्रोटीन, कितना ये मिलता है, विटामिन ए मिलता है, और स्पिरुलिना में कितना है. तो दोस्तों कोई भी आप मैं अगर पलड़ा आप समझते हैं तराजू, दुनिया का कोई भी खुराक आप एक पलड़े में रखो और एक पलड़े में स्पिरुलिना को रखो तो स्पिरुलिना का पलड़ा नीचे ही जाएगा. मतलब कि इतना कुछ इसके अंदर कुदरत ने दिया हुआ है. तो यूज बाय मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड. हम लोग अश्विनी के साथ जितने भी कंट्री में हम लोग गए हैं, चाइना में गया था हम लोग, गए थे 2015 में, मैं जितने भी कंट्री में गया मैं देखने की कोशिश करता हूँ, सारी जगह पे हमें स्पिरुलिना सप्लीमेंट देखने को मिला. और स्पिरुलिना तो हर जगह पे वर्ल्ड में मिलता है. तो दुनिया भर में स्पिरुलिना को लोग एडॉप्ट मतलब के उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसको डे बाय डे डेली यूज कर रहे हैं. तो इट कैन टेकन बाय एनी एज ग्रुप, मतलब कोई भी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं इसको, बच्चे से लेकर बूढ़े सारे एज ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है. इवन तो प्रेगनेंसी में भी ये रिकमेंडेड है क्योंकि आने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए ये अच्छा न्यूट्रिशन वाला खुराक माता को बहुत जरूरी होता है. इट्स रिच विथ बीटा कैरोटीन, आयरन, GL, गामा लिनोलिक एसिड है, विटामिन ई है, B12 है. जो आज B12 डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों को होती है ज्यादातर, तो B12 भी इसके अंदर नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स में बहुत अच्छी मात्रा में. तो स्पिरुलिना के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. एक घंटे के अंदर अगर स्पिरुलिना के ऊपर बोलना है तो भी हम कह सकते हैं इतनी कुछ दी चीजें कुदरत ने दी है हमें. तो स्पिरुलिना को हमें डेली हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है. तो सो ये सारे प्रोडक्ट मैं अपने घर में डाइनिंग टेबल के आसपास रखता हूँ ताकि हम खाना खाने के बाद तुरंत ले सके. तो उसको दवाई और मेडिसिन की तरह नहीं लेना है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट. तो खानों के साथ हमें लेना है. तो सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद आप इसको रेगुलरली लेते रहे. अभी जो समर चल रहा है और खास करके अभी कोविड फेज चल रहा है उसके अंदर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा. स्पिरुलिना को आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं. आप नींबू का रस पीते हैं, लेमन जूस, तो लेमन जूस के अंदर स्पिरुलिना को खोल लीजिए, अंदर डाल लीजिए कैप्सूल अंदर मिला के, क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर कुदरत ने एक ही विटामिन नहीं दिया है. इसके अंदर विटामिन ए, B1, B2, B6, B12 सारे विटामिन है. इसके अंदर डी है, ई है, सब कुछ है, लेकिन विटामिन सी इसके अंदर कुदरत ने नहीं दिया, जो हमें सिट्रस फ्रूटों से मिलता है, आंवला से मिलता है. तो आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं कि मैंने घर में एक डब्बे में क्या बनाया है, स्पिरुलिना, एलोवेरा, आंवला का एक मिक्सचर बनाया है और मैं वो लेमन जूस में डाल के पी लेता हूं. तो क्या होता है, गर्मियों में आपको एक अच्छा फील भी होगा, फ्रेश भी फील होगा, और खास करके आपको एक एनर्जी लेवल इंस्टेंट मिलता है. तो आप स्पिरुलिना को ऐसे जूस फॉर्म में भी, नींबू के शरबत में भी डाल के आप पी सकते हैं. अच्छा टेस्ट भी आएगा. अगर आपके घर में गेस्ट आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे कोविड में, लेकिन आएंगे तो अब अगर आप ऐसा लेमन जूस पिलाते हैं तो वो आपसे पूछे बिना नहीं रहेंगे कि ये क्या था, कौन सी फ्लेवर थी. तो बहुत अच्छा ये आपको स्पिरुलिना का लेमन जूस आप बना सकते हैं. तो स्पिरुलिना एक पहला बेसिक प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. चलिए उसके बाद एक और प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है नोनी.
जिसको साइंटिफिकली बॉटनिकल नेम है इसका मोनिडा सेट्रोफल, या इट्स ए मिरेक्युलस फ्रूट गिवन बाय, एक चमत्कारिक फल है। बहुत सारे मीडिया में इसके ऊपर आ चुका है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप गुजराती में हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में है, तो आप बहुत कुछ गूगल में भी देख सकते हैं, नोनी के ऊपर, स्पुरना के ऊपर भी। इट हैज बीन यूज वर्ल्ड, दुनिया में ये 2000 सालों से ये उपयोग होता हुआ दिखा गया है हिस्ट्री के अंदर, तो इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। रिच विथ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और ज़ेरोनाइन इसके अंदर है, तो ज़ेरोनाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रेयर न्यूट्रिशन है जो कुदरत ने नोनी को अंदर दिया है, और इसी वजह से नोनी एक स्पेशल प्रोडक्ट के रूप में, मिरेकुलस प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये नोनी करता क्या है, नोनी का जो है बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में मिलते हैं, नोनी का जूस वगैरह मिलते हैं, लेकिन हमारा नोनी क्यों अलग है, क्योंकि हमने एक कैप्सूल फॉर्म में तैयार किया है, इसके प्योर एक्सट्रैक्ट जो है उसको स्पेशल टेक्निक से हमने कैप्सूल में तैयार किए है, तो आप सीधे उसको खाली पेट ले सकते हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में कब लेना है उसको। लेकिन नोनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, नोनी का जो काम है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर है, नोनी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, और बहुत सारे वेरियस डिसीज से हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो नोनी का जो काम है रक्षण का काम है, पहला जो प्रोडक्ट हमने देखा है उसका काम है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन देना, और दूसरा काम है रक्षण देना यानी कि प्रोटेक्शन देना। तो नोनी एज अ प्रोटेक्शन बहुत अच्छा काम कर सकती है, इट्स अ वेरी हेल्पफुल इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अभी कोरोना कहाँ पकड़ता है, सबसे पहले लंग्स को पकड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पहला कंट्रोल करता है वो, तो जाता है हमारे नाक से, जाता है अंदर और पूरे लंग्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये पकड़ता है, तो उसको इन्फेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी के अंदर नोनी का बहुत अच्छा रोल है। अगर कोरोना तो अभी आया, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने वेस्टीज के अंदर इतने सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम कॉमन है इंडिया के अंदर, अस्थमा के अंदर, दमे की बीमारी में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स नोनी के देखे हुए हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम के लिए नोनी बहुत अच्छा है। रिसर्च फाउंडेशन नोनी कौन कौन सी बीमारियों में हेल्पफुल है, अगर हम बीमारियों के नाम से, क्योंकि नोनी के ऊपर रिसर्च हुआ है कि कितनी बीमारियों में ये कितने परसेंटेज हेल्पफुल है, आपको सारा वो गूगल वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो आर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेशन, इंडाइजेशन, इन्फेक्शन, वायरस, हेयर लॉस, ट्यूमर्स, हीलिंग, पेन, टूथ है यानी गम के मसूड़ों में दर्द है वगैरह में, बहुत सारी जगहों पे नोनी आपको फायदा कर सकती है। तो एक नेचुरल मिरेकुलस प्रोडक्ट है नोनी, और जो है इसके अंदर मेन कंटेंट ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन का काम क्या होता है, अगर थोड़ा मेडिकली समझे, साइंटिफिकली, तो नोनी क्या करता है, सॉरी ज़ेरोनाइन क्या करता है, हमारे सेल्स के पोर्स को ये खोल देता है, और कोशिकाओं के छिद्र जो टॉक्सिन से या बंद हो गए हैं उसको, पोर्स को ये खोल देगा, जिससे क्या होगा, अंदर से कचरा बाहर निकल जाएगा और न्यूट्रिशन अंदर दाखिल हो पाएगा, तो सेल्स की हेल्थ को ये बहुत अच्छा फायदा करता है। तो नोनी हमें लेना है प्रिवेंशन के लिए, बीमारियों से बचने देगा। अगर आप नोनी लेते हैं तो आप एक एश्योर, नोनी का अगर मैं आपकी सादी भाषा में कहता हूं कि अगर आप लेते हैं तो कोई बीमारियों को आने नहीं देगा, और आ गई है तो रहने नहीं देगा, आने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। सो बहुत ही मिरेकुलस प्रोडक्ट है नोनी, आप अभी ये फेज में बिल्कुल उसको रेगुलरली लेना हमें शुरू करना है। तो स्पुरना, नोनी, उसके बाद एक और प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा आप सब लोग जानते हैं कि एलोवेरा जानते हैं तो सीधा महिलाओं मतलब कि ज्यादा जानती है कि ब्यूटी के साथ उसका ज्यादा रिलेशन देखा गया है। एलोवेरा इज द ओल्डेस्ट मेडिकल प्लांट एंड अप्लाइड वर्ल्ड वाइड, ये बहुत ही दुनिया का बहुत पुराना प्राचीन पौधा माना गया है एलोवेरा को। एलोवेरा वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटी वैल्यू फॉर स्किन, बहुत सारे लोग जानते हैं कि एलोवेरा यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट, तो ब्यूटी के लिए जाना माना है वो तो है ही है, लेकिन एलोवेरा की कुछ जातें हैं जिसके अंदर औषधीय गुण भी बेहद ज्यादा मतलब की मात्रा में होता है। तो ये जो होता है कि न्यूट्रिशन एलोवेरा के अंदर, ये जिस प्लांट से बनाया गया है एलोवेरा के, मेडिसिनल प्लांट से, जिसके अंदर हमारे बॉडी को जो मेन चाहिए अमीनो एसिड्स, डेली 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी को चाहिए, उनमें से 19 प्रकार के अमीनो एसिड्स एलोवेरा के अंदर मिलते हैं जो हमारी बॉडी की डेली जरूरत है। एलोवेरा इज अ जनरल टॉनिक फॉर इम्यून सिस्टम, एलोवेरा एक जनरल टॉनिक है हमारे इम्यून सिस्टम को, जो अगर हम डेली लेते हैं तो हमारी बॉडी को एक डेली टॉनिक मिलता रहता है। हेल्प्स टू फाइट अगेन ऑल काइंड ऑफ इलनेस, बहुत मतलब कि सारी प्रकार की बीमारियों को सामने लड़ने के लिए हमें मदद करता है। इट्स ए अल्कलाइन प्रॉपर्टी, अल्कलाइन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी की एसिडिक कंस्टिट्यूशन को ये कम करता है और बेसिडिटी बढ़ाता है। जितना आपका बॉडी कम एसिडिक हो उतनी आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो पीएच लेवल जो होता है, जो हमारे बॉडी का 7 के आसपास रहना चाहिए, वो मेंटेन करने में हमें मदद करता है। तो अल्कलाइन, तो आपने एलोवेरा के रिजल्ट्स आपने सुने होंगे, या आप हमारे विस्तृत के YouTube चैनल या उसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे एलोवेरा के आपको रिजल्ट मिलेंगे, जिसके अंदर वो लोग बोलते होंगे हमारी एसिडिटी की समस्या थी जिसमें एलोवेरा खाया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिला। तो एलोवेरा डाइजेस्टिव और एसिडिक प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर
अल्कलाइन प्रॉपर्टी बेहद ज्यादा है, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पाचन क्रिया के लिए, और हम सबका डाइजेशन आज थोड़ा वो तो रहता ही है क्योंकि हमारे खाने पीने का समय ठीक नहीं है, फास्ट फूड जंक फूड वगैरह है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है एलोवेरा की, और बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके 2 से 4 कैप्सूल आप ले सकते हैं। एक चीज मैं अगली स्लाइड में बताना भूल गया, सॉरी, नोनी को लेने का सबसे अच्छा समय जो है वो खाली पेट ले लीजिए, भूखे पेट जिसको हम कहते हैं, सुबह उठते ही भूख जो पेट होता है भूखा होता है, तो थोड़े बुनबुने पानी में यानी कि लुक वार्म वाटर में आप हल्के गर्म पानी में उसको लीजिए तो काफी फायदा होता है। या अगर किसी को सुबह सुबह मतलब कि एडजस्ट नहीं हो रहा है तो खाने से पहले ले लें, यानी कि अगर आप 1 बजे लंच कर रहे हैं तो 12:30 को आप ले लीजिए, तो वो भी खाली पेट ही कहलाता है। तो आप खाने से पहले या सुबह, सबसे अच्छा समय है सुबह, खाली पेट आप इसको लीजिए। चलिए एलोवेरा के बाद एक और प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है आंवला। आंवला आप जानते हैं कि ये भी एक कुदरत का दिया है और ये भी 3000 साल पुराना है। दोस्तों वेस्टीज की जो सप्लीमेंट है सारे नेचर से लिए गए हैं, तो एक मतलब कि हमें सिर्फ फर्क क्या है कि सिर्फ कैप्सूल के फॉर्म में है जिसको हम इजीली हम इसको ले सके कन्वीनियंसी के लिए, इसीलिए बाकी सारा नेचर का खजाना से ये सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। तो एलोवेरा जो है सॉरी आंवला जो है वो मेडिसिनल बेनिफिट औषधीय गुण, इसका आयुर्वेद में बहुत जाना माना है आंवला, और हमारा आयुर्वेद आज दुनिया मानती है और आयुर्वेद में आंवला की बहुत महत्वता बताई है। इट्स अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, अगर सबसे ज्यादा कोई चीज में विटामिन सी मिलता है तो आंवला में मिलता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, साथ साथ जो कोल्ड एंड कफ जो होता है, कॉमन सर्दी जुकाम जो कहते हैं, कफ वगैरह हो जाना, उसमें ये बहुत अच्छा फायदा करता है क्योंकि विटामिन सी जो है वो कोल्ड के लिए काफी अच्छा माना गया है। तो अभी आज कोरोना का एक बहुत मेजर सिम्टम है कोल्ड होना, कफ होना वगैरह, तो यहाँ पे भी आंवला आपको बहुत मदद कर सकता है। गुड फॉर फॉर स्किन एंड लस्टरेस, यानी कि बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और खास करके महिलाओं में बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है क्योंकि महिलाओं के बालों से जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती है, तो ये जो प्रोडक्ट है उनकी हेयर ग्रोथ और बालों में चमक वगैरह, तो उनके जो रूटीन हेयर प्रॉब्लम होते हैं उसमें काफी अच्छा है आंवला। तो ये भी आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, 2 से 4 कैप्सूल आप दिन में इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा सप्लीमेंट था आंवला जिस पर हमने बात किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी में जिसका नाम है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम यानी कि गाय के दूध का खीरा, जो उसको बोवाइन कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम इज ए अर्ली मिल्क ऑफ काउ, गाय का जो शुरुआती दूध होता है, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तब उसका जो शुरुआती दूध होता है उसमें बहुत ताकत होती है। सारे प्राणी जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं इसके अंदर वो मतलब उसके शुरुआती दूध में तत्व होते ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये तत्व देखे गए हैं तो गाय के दूध के अंदर है। उसका आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि आपने देखा होगा कि गाय का बछड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो पैदा होने के 4-6 घंटे के अंदर उठ के खड़ा होकर चल सकता है। ये ताकत जो होती है, पावर जो होती है, वो उसके शुरुआती दूध से आती है। और बहुत ही कुदरत ने ये जबरदस्त चीज बनाई है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसके अंदर 37 स्पेसिफिक इम्यून फैक्टर्स हैं। इम्यून फैक्टर आप सोचिए कि इसका सीधा जो वैज्ञानिक नाम दिया इम्यून फैक्टर, तो आज हमारे शरीर को किसकी ज्यादा जरूरत है, इम्यूनिटी की। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या कर सकता है, सादी भाषा में कहूं तो हमारे जो सैनिक है अंदर आर्म फोर्स है उसको AK-47 AK-56 देने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। इट्स ए हाईली इम्यूनो मतलब वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 5 वाइटल इम्यूनोग्लोबिन इसके अंदर देखे गए हैं, 8 प्रकार के ग्रोथ बोथ फैक्टर्स है इंक्लूडिंग इंसुलिन टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर। दोस्तों ये प्रोडक्ट जो डायबिटिक पेशेंट है इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथन बनाता है, इंक्रीज ग्रोथ इन किड्स, बच्चों के ग्रोथ के विकास के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, फिजिकल मतलब की ग्रो नहीं हो रहे, हाइट वेट का इंश्योर, वहां बच्चों को भी आप जरूर दीजिए उसको। ये क्या करता है, रिकवरी टाइम को शॉर्ट करता है। क्या होता है, कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है कुछ है, तो आपको वो जल्दी से रिकवर करने में और साथ साथ स्पीडी हीलिंग में मदद करता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, आपकी क्षमता को बढ़ाता है, एंड्योरेंस को ये बढ़ाता है। 2 से 4 कैप्सूल आप दिन में इसको ले सकते हैं, बच्चों के लिए 2 कैप्सूल, बड़े हैं तो 4 कैप्सूल इसको आप जरूर लीजिए। ये भी प्रेफरेबली थोड़ा खाने खाली पेट लेते हैं तो काफी फायदा है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल इससे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, खास करके अभी के जो फेज है उसके अंदर ये बहुत रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों हमने 5 प्रोडक्ट देखे जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए, और लेकिन अभी जो फेज चल रहा है उस पर मैं बात करूं तो उसके लिए जो 2-3 प्रोडक्ट और महत्वपूर्ण है, चलिए उस पर बात करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा पहला एक प्रोडक्ट है सी बकथ्रॉन। सी बकथ्रॉन इज ए वेरी वेल नोन इज ए वंडर बेरी। वंडर बेरी, बेरी आपने नाम सुना होगा, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी, बहुत सारे ऐसे बेरी बेरी फैमिली के फ्रूट्स होते हैं। उसमें ये एक
बैरी फैमिली से आता है जिसका नाम है सी बक्थ्रॉन। सी बक्थ्रॉन है जो पिछले 1400 सालों से मेडिकल पर्पस से लिए यूज किया जाता है, जाना माना है हमारे इतिहास में, और यूज फॉर इंडियन आर्मी पर्सनल, मतलब कि हमारे सैनिकों को यह दिया जाता है। इट्स अप्रूव्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ जो अभी हॉस्पिटल्स बना रहे, जो हमारा एक पूरा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है डीआरडीओ, जो अभी अहमदाबाद में 900 बेड के हॉस्पिटल बनाए गांधीनगर, डीआरडीओ अभी जो है उन्होंने अप्रूव किया है ये सी बक्थ्रॉन को हमारे इंडियन आर्मी के लिए। इसकी खबी क्या है पता, ये जो प्लांट है सी बक्थ्रॉन का प्लांट है जो बैरी है, तो वो ये -40 और +40 उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है पर्यावरण का, नेचर का, एनवायरनमेंट का। तो आप समझ सकते कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी कि -40 में भी ये प्लांट जीवित रह सकता है, इसको कुछ नहीं होता है, और +40 में भी ये जीवित रह सकता है। तो दोस्तों ये प्लांट के जो फ्रूट है बेरी, अगर हमारे बॉडी को मिले तो हमारी बॉडी की जो क्षमता है उसको भी ऐसे ये परफॉर्मेंस में ले जा सकता है। तो ये जो है क्योंकि क्या होता है कि हमारे सैनिकों को लद्दाख के ऊपर या बहुत ऊंचाइयों पर काम करना हो, जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होता है, वहां पे वो लोग काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उनकी एनर्जी, उनका स्टेमिना, उनका हेल्थ मेंटेन रहे, इसलिए उनको दिया जाता है। तो सी बक्थ्रॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दोस्तों आज के दिनों में हमारे लिए, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये बहुत अच्छा ये सैनिकों को मदद करती है। इसके अंदर 190 से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड है, एक छोटी सी बैरी के अंदर है। रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ ओमेगा 7, हमारे जो प्रोडक्ट है आगे दूसरे प्रोडक्ट जो है ओमेगा कंटेंट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, लेकिन ओमेगा 7 जो है वो सी बक्थ्रॉन में हमें मिलता है। वो बहुत कम है, दुनिया में मात्र 2 चीजों में मिलता है, इसमें एक सी बक्थ्रॉन है। वेरी हेल्पफुल इन मेनी डिजीज इंक्लूडिंग हार्ट एंड डायबिटीज में भी ये काम करता है। ये कोई भी शरीर की समस्याओं के लिए आप इसका फायदा, मतलब के बेनिफिट ले सकते हैं। इट मेंटेन्स हाई एनर्जी लेवल, स्टेमिना एंड कंसंट्रेशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव साउंड स्लीप। ये आपकी नींद को भी बेहतर बनाता है, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। इसकी 2 कैप्सूल हमें लेनी चाहिए। तो सी बक्थ्रॉन आज के दिनों में अभी जो फेस चल रहा है उसमें हमें काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए उसके बाद एक और प्रोडक्ट को देखते हैं जिसका नाम है कर्क्यूमिन प्लस। कर्क्यूमिन प्लस जो होता है हल्दी, आप सब लोग जानते हैं हमारे हर एक इंडियन किचन में हल्दी का उपयोग है। तो हल्दी जो है एक नेचुरल कंपाउंड है जो मतलब टर्मरिक में पाया जाता है। आप 100 ग्राम हल्दी में से इसका 0.225% ये मिलता है, इतना कम मात्रा मिलता है। कई लोग बोलते हैं सर ये हल्दी का पाउडर है, हल्दी का पाउडर नहीं है, 100 ग्राम हल्दी में से मात्र 2 ग्राम ये कर्क्यूमिन हम प्राप्त हो सकता है। तो 2-5% टर्मरिक में होता है, वेरी वेल नोन, एक्सटेंडली यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत महत्व है कर्क्यूमिन का, और कैन यूज फॉर प्रिवेंशन एंड इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कैंसर के बचाव के लिए ये बहुत अच्छा फायदेमंद है, रिसर्च से देखा गया है। साथ साथ जिसको कैमोथेरापी वगैरह चल रही है, कैंसर के ट्रीटमेंट चल रही है कैमोथेरापी, उसमें भी ये काफी फायदेमंद है। इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कि सूजन आना, सूजन आती है इन्फ्लेमेशन। अभी क्या करता है कोरोना लंग्स में क्या करता है, अंदर इन्फ्लेशन ला देता है, हमारे फेफड़ों को सुजा देता है, तो कर्क्यूमिन वहां पे मदद कर सकता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज में इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने की क्षमता है, गुड फॉर लिवर, ब्रेन, हार्ट एंड स्किन, कैन यूज इन अ वार्म वाटर फॉर गार्गल फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। अभी क्या करते हैं लोग ज्यादातर, मैं कैसे लेता हूं, सुबह उठते ही अभी लेता हूं उसको, एक कैप्सूल खोल दिया, गर्म पानी के अंदर डाल दिया, उसको मतलब स्टिर करके ले लेते हैं। तो ये गार्गल के अंदर आपके जो ये ट्रैक है उसमें भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे भी ये हेल्प कर सकता है। तो आप गर्म पानी में इसको कैप्सूल खोल के भी पी सकते हैं और कैप्सूल खा के भी इसको ले सकते हैं। तो 2-3 कैप्सूल पर डे अभी आप कर्क्यूमिन ले तो भी काफी फायदा हो सकता है आपको प्रिवेंशन में, अगर कोई मतलब कि इन्फेक्टेड है कोविड में उनको भी काफी फायदा कर सकता है। और लास्ट एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेस्पोकेयर। रेस्पोकेयर आप समझ सकते, रेस्पो का मतलब है श्वसन तंत्र। ये रेस्पोकेयर हमारी एक ब्रांड है वेस्टिज की, आयुशांते, आयुशांते के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और दोस्तों अभी बहुत डीएलसीपी जानते हैं कि अभी शॉर्ट सप्लाई चल रहा है, अभी अवेलेबल हो गया, लेकिन बहुत ही अभी हाई डिमांड में प्रोडक्ट है हमारा रेस्पोकेयर। रेस्पोकेयर इज मेड विद 6 नोन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके ऊपर लिखा ही है। तो 6 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, RTI जिसको हम कहते हैं। RTI यानी कि आपकी श्वसन तंत्र में जो इन्फेक्शन लगते हैं, इसमें लोअर RTI, अपर RTI, लोअर यानी कि यहां से नीचे का हिस्सा, अपर यानी कि यहां, तो ये एरिया में जो इन्फेक्शन है या नीचे के एरिया में जो इन्फेक्शन है, दोनों में ये काम करता है। और ये जो है ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, यानी कि आपके श्वसन तंत्र के अंदर जो एयरवे, आपका जो एयरवे जहां से सांस अंदर जाती है, उसके अंदर जो भी कोई इन्फेक्शन वगैरह है उसको ये एयरवे को ये
नॉर्मल रखने के लिए इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल तत्व है, इम्प्रूव ऑक्सीजन लेवल, जिसकी मारामारी है। आप देखो मीडिया में, टीवी में, कहीं पे भी ऑक्सीजन 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 आ रहा है, तो ये आपके ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और दोस्तों पहले लॉकडाउन में या पहले फेज में और अभी के फेज में भी हम रोज देखते हैं वेस्टिज के टेस्टिमोनियल रेस्पोकेयर के, कि फला पेशेंट को इतना ऑक्सीजन लेवल हो गया था, रेस्पोकेयर वगैरह लेना शुरू किया, ऑक्सीजन लेवल उनका जंप हुआ। तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। और जो निमोनिया हो जाता है, ये क्या होता है, कोविड जाके क्या करता है, फेफड़ों में निमोनिया करता है, तो निमोनिया इन्फेक्शन में भी मतलब इफेक्टिव है। गुड फॉर साइनोसाइटिस पेशेंट, जो साइनस वगैरह के प्रॉब्लम है उनको, ऐसे दर्दियों के लिए भी बहुत लाभ करता है। गुड फॉर कफ, अस्थमा एंड वीक लंग, लंग्स जहाँ पे कमजोर हो गए वहां पे भी ये रेस्पोकेयर का बहुत बहुत अच्छा रोल है। हाईली रिकमेंड फॉर कोरोना इन्फेक्शन, अभी कोरोना इन्फेक्शन में हाईली रिकमेंडेड है, उनको देना ही देना है, 2 से 3-4 कैप्सूल आप पर डे के ले सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों कुछ प्रोडक्ट सप्लीमेंट मैंने आपको बताया जो आज के दिनों में बहुत जरूरी है। अगर मौका मिला तो दोबारा भी और सप्लीमेंट के ऊपर जो भी कुछ मेरे पास जानकारी है हम बात करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं दोस्तों इतना ही कहूंगा कि हेल्थ के लिए हमारा जो एटीट्यूड है, ये तो अभी एक फेज चल रहा है, वो तो अभी थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोविड चला जाएगा तो दूसरा कुछ नहीं आएगा, हमें हमारी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, हमारी हेल्थ को हमेशा मेंटेन रखना है। तो हमें जीवन के आखिरी दिन तक हेल्दी रहना है, यस और नो? तो ये सारे प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस, सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस आप हमें समझना है और लोगों को यही मैसेज पास करना है। तो दोस्तों जो एटीट्यूड है, सोच है, तो उसको बदलना है। हमारा एटीट्यूड क्या है ज्यादातर लोगों का, अरे यार जैसा चलता है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसा अभी हेल्थ के लिए नहीं चलेगा, बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Yes, it's very true. कि पानी आने से पहले उसका बचाव करना चाहिए। Rather, I would say prevention is better than cure, cheaper than cure and safer than cure. अगर आप लाखों रुपया पीछे बाद में खर्च करने बजाय यहाँ पे थोड़े हजारों रुपये में आप अपने और अपने फैमिली को, हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। So start taking steps towards your prevention. Prevention के ऊपर अभी ध्यान देना है। तो ये सब चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है सिर्फ हमारी बॉडी को मजबूत करने के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर, इम्यून सिस्टम को, और डिटॉक्सिफाई करने के ऊपर। बिकॉज दोस्तों अगर हम प्रिवेंट करते हैं तो हम आने वाले समय में होने वाली बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे खर्चे से और बहुत सारी जो पेन होने वाले उससे हम बच सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये सिद्धांत को हमें याद रखना है। क्योंकि जो चीज है, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहली हमारी जो जमा पूंजी है वो हेल्थ है। तो आज आप देखते होंगे कि लोग लाखों रुपया देते हैं, एक बेड दे दो, जो भी पैसा ले लो पर हमें एक बैट दो, हमें अच्छी, क्योंकि हेल्थ की वैल्यू है दोस्तों। तो हेल्थ की वैल्यू हमें समझनी है और हमें लोगों को समझानी है। तो ये हेल्थ हमें मेंटेन करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स क्या भूमिका है, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई। आशा करता हूँ कि मैं एक समय के अंदर आपको वो सारी चीजें बता पाया होऊंगा जो आज के दिन में हमें जरूरत है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, थैंक यू सो मच टीम और अश्विनी जी कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात लोगों के सामने पहुंचा पाया। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल हो और आप इन इन्फॉर्मेशन को पास करके और ज्यादा लोगों को मदद कर सके हेल्दी रहने में, और खास करके इस कोविड के फेज में ज्यादा लोगों को सेफ रखने में ये प्रोडक्ट्स काफी कारगर साबित हुए हैं। तो दोस्तों प्लीज इसको लेना शुरू करिए और लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करिए। सो थैंक यू सो मच अश्विनी जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू कल्पेश भाई, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने, बहुत अच्छी नॉलेज दी मुझे। मैं जस्ट इसके बदले में आपके लिए क्लैप ही करूंगा कि इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन और इतने कम समय में आपने बहुत सारी चीज बताई। एक डिफरेंट टाइप का हम लोग के लिए एक प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया जो कि हमारे लिए आज कुछ नया था। और मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रेजेंटेशन पर हमारे कुछ लीडर्स हैं, उनके कमेंट्स दो लोग को ही लूंगा मैं। तो जो है इनमें से एक हमारे सौराष्ट्र के हैं कौशिक भाई और जियाबेन, कपल में काम करते हैं, तो एक बार उनको मैं अनम्यूट करता हूं। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी,
आज के बारे में, आज के प्रेजेंटेशन के बारे में आप कुछ बताइए। कल्पेश भाई नडियाड के हैं और आप सौराष्ट्र के हैं, तो मैंने कहा पहले आपको एक बार अनम्यूट करता हूं आज। तो पहले तो गुड मॉर्निंग कल्पेश सर, आप यहां पर आए और हमें आज आज हमें जो सेशन मिला, हम जो जो सेशन अभी भर रहे हैं, हमें ऐसा सेशन ऐसा नॉलेज अभी तक कहीं नहीं मिला है। और दूसरी बात ये कि हमारे बिजनेस में हम कहते आए हैं कि हमारा बिजनेस हेल्थ और वेल्थ दोनों का है। यस। अभी देखा जाए सर तो सभी लोग सप्लीमेंट्री को छोड़ के ही काम पर लगे हुए हैं, सप्लीमेंट्री को सब भूल गए हैं। Yes. और दूसरा मैं कहूँ तो वेस्टीज की शुरुआत भी हमारी दो सप्लीमेंट्री से ही हुई थी। Yes. तो आपने रियली में हमें वो याद दिला दिया कि हमारा जो बेस है वही हमारा सप्लीमेंट्री है और हमारे तो जरूरी है। और मैंने उसमें कई बात भी नोट की है, जैसे कि वो जो तराजू वाली बात थी आपकी, वो मुझे बहुत पसंद आई। और दूसरी कि हमारे जो सप्लीमेंट्री है वो अभी तो कोरोना टाइम के अंदर सब बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी, लेकिन वेस्टीज की मैं बात करूं तो 2004 से ही वेस्टीज दे रही है। Yes. लेकिन अभी लोगों को पता चल रहा है कि सप्लीमेंट लेना जरूर है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। Exactly. हमारे बाली सर ने तो 2004 से ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है। Exactly. और रेस्पोकेल की जो आपने बात की सर, रेस्पोकेल की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले मैं अमरेली डीएलसीपी पर गया था रूबरू। okay. तो वहां पर अमरेली से हमारे जो पीएसआई है, ये जो पीएसआई उसकी जो कार चलाते हैं, उसकी जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो आया है वहां पर। वो बोला आप 3 गुना नहीं 4 गुना पैसा ले लो, लेकिन मुझे रेस्पोकेल दे दो। okay, great. तो हाँ, तो कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्री क्या है उसका अभी कहते हैं ना कि वो समझ आया, रियलिटी महसूस हुई है सभी लोग। तो थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ा नॉलेज दिया और मैंने कई बातें नोट की आपकी, और थैंक यू सर, और थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू कौशिक भाई, जिया बहन, आप लोग हमेशा से लगे रहते हैं और ये ऐसे कपल हैं जो कि हमारे सेशन में 10 से 15 मिनट पहले आकर के वेट करते हैं कि सेशन शुरू होगा, और वही एक लीडरशिप की निशानी होती है। इसलिए मौका सबको ही देना है बारी बारी से। और नेक्स्ट हमारे तेलंगाना से बिलोंग करने वाली एक लेडी है लीडर, जो कि क्राउन डायरेक्टर है, सुनीता पिपलवा जी। तो सुनीता जी, आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कल्पेश सर एंड अश्विनी सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे कल्पेश भाई के बारे में बोलने का मौका दिया। रियली कल्पेश सर, आज का जो सेशन था, जैसे कि अभी कौशिक भाई ने बोला कि आज तक हमने ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है, रियली इतना डिटेल में आपने हमें नॉलेज दिया है। वैसे तो सप्लीमेंट के बारे में नॉलेज अभी हम लोग ले रहे हैं और अभी इस चीज को लेकर अवेयर हो रहे, लेकिन हमारे वेस्टीज के एमडी सर बाली सर ने तो शुरुआत से इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया था। हमारा वेस्टीज एक्चुअली काम करता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे ही और हमारी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स पे ही काम करता है। तो आज का सेशन रियली बहुत ही फैंटास्टिक था और हमें इतनी सारी डीप में नॉलेज नोनी के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, रियली जैसे कौशिक भाई ने बोला था, हमने ऐसी नॉलेज ली नहीं थी, पहले लिया था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज हमारे ग्रुप के लिए स्पेशली जो ट्रेनिंग की गई तो हमने बहुत ध्यान से इसको समझा है, पूरे स्क्रीनशॉट लिए हैं, अब नोट्स बनाएंगे और बहुत सारे नोट्स मैंने पॉइंट भी नोट किए हैं। तो रियली सर बहुत ही नॉलेजेबल सेशन, और जब हम हमारी हेल्थ पे ही काम करेंगे तो डेफिनेटली जब हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम वेल्थ भी अर्न कर सकते हैं और हम लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हेल्थ पे ही ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्लेटफॉर्म हमें वेस्टीज दे रहा है। तो रियली बहुत ही हम गॉड का थैंक्स करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में हमें मिला है। तो डेफिनेटली ये जो नॉलेज आपने दिया है, तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये नॉलेज आप सभी को शेयर करिए, क्योंकि अपना एक नॉलेज, एक पॉइंट, एक चीज के बारे में हम किसी को बता रहे हैं तो यहाँ पे किसी की हम जान बचा सकते हैं और किसी की हम हेल्प कर सकते हैं। तो आज आपको ये नहीं सोचना है कि हम बिजनेस माइंडसेट से कर रहे हैं, आज हम एक
इंसानियत के नाते हम किसी की जान बचाने का काम कर रहे हैं, किसी को हम हेल्थ दे रहे हैं, किसी के परिवार की सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आज हमें ये नहीं सोचना है कि हम प्रोडक्ट सेलिंग पे काम कर रहे हैं, आज हम किसी की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस हमारा है, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है, ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है, तो हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए वेस्टीज मैनेजमेंट का, वेस्टीज कंपनी का, और हमारे जो ग्रेट मेंटर्स है उनका, और जो हमारे वेस्टीज के जो ट्रेनर्स आज सुबह से लेकर रात तक हमें जो एक से एक बढ़कर हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आज हमें इतना नॉलेज दे रहे हैं, तो रियली हम लोग बहुत लकी है। थैंक्स टू वेस्टीज एंड थैंक यू कल्पेश भाई, आज आपने हमारी पूरी रॉयल एबीपी ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ा नॉलेजेबल सेशन दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू अश्विनी सर। थैंक यू सुनीता जी। और फाइनली प्रतिभा कह रही है मुझे भी कुछ कहना है क्योंकि ये सेशन इन्होंने भी पूरा ही सुना है। गुड मॉर्निंग कल्पेश भाई, बहुत दिनों बाद। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद देखने को मिले आप। आपका जो घर है वो बहुत ही शानदार है जो मुझे दिख रहा है, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। आज आपने, मैं सेकेंड डिवाइस से आपकी पूरी मीटिंग मैंने अटेंड की और मैंने देखा, मतलब आज आपने जो नए लोग हैं उनके लिए तो एक शॉर्ट सीएनटी जैसी और बहुत डिटेल नॉलेज हेल्थ प्रोडक्ट्स की थी, तो बहुत ही बढ़िया नॉलेज जिन लोगों के लिए, जो लोग अभी एंटर हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही तोहफा हो गया। कई दिनों से मोटिवेशनल प्रोग्राम चल रहे थे लेकिन आपने आज एजुकेशनल प्रोग्राम दे दिया तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। थैंक यू कल्पेश भाई, थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली कल्पेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी कुछ बातें हमेशा से याद रहती हैं, जो आप अक्सर जब हम लोग के सेशन होते हैं, कल्पेश भाई ने आज हमारे लिए पहली बार नहीं सेशन लिया है, आप लोग की नॉलेज के लिए बता दूं, सूरत में हमने जब जब बुलाया है कल्पेश भाई को, वो हमेशा से हाजिर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अहमदाबाद में भी कई बार मिले हैं। तो कल्पेश भाई की एक बात है, जैसे जब वो क्राइसिस के समय में थे तो समझ लिए उस समय कितना मुश्किल होता है अपने आप को मोटिवेट रखना, कि जब पैसा नहीं होता है पास तो हमको लगता है भी कैसे आएगा क्या आएगा। तो वो वाली बात जो आपने पहले भी बताई है, बस मैं चाहूंगा वो दो मिनट की बात आप अपने मुंह से बताइए, जब आपका पहला लाख का चेक आया था तो आपने क्या किया था, वो मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने मुंह से बताइए। ओके फाइन राइट। अश्विनी जी, जैसे मैंने बताया मैंने 2010 में शुरू किया था, मैंने बताया कि जेब में 100 रुपया भी नहीं हुआ करता था, जुगाड़ लेके, मतलब जुगाड़ करके चलना पड़ता था, किसी से लेकर फील्ड वर्क के लिए निकलता था, 100 रुपया होता था, 50 का पेट्रोल डालता था, 20 रुपया वड़ा पाव के लिए रखता था, कुछ नाश्ते के लिए, ऐसे करके शुरुआत की थी। जब वेस्टिज के उस समय 30-40 प्रोडक्ट हुआ करते थे हेल्थ केयर में, खास करके नोनी था, स्पुरना था, ग्लूकोसामाइन वगैरह, फ्लैक्स वगैरह था, कुछ 5-6 प्रोडक्ट थे। आज जो आप प्रोडक्ट रेंज देख रहे हैं शायद उस समय इतनी नहीं थी, गुजरात में एक भी डीएलसीपी नहीं था, मुझे याद है कि उस समय सूरत में एक डीएलसीपी था और नजदीक में मेरे बड़ौदा में रॉबिन भाई का एक डीएलसीपी था। भी मैंने 2010 में शुरू किया, फिर उसके बाद आई उस समय कुछ, अभी जो आप देख रहे हैं अभी और उसमें आप जमीन का फर्क है। अभी 2021 का वेस्टिज और 2010 का वेस्टिज में कोई वो नहीं था। अवार्ड सेरेमनी जब मैं, मुझे याद है कि पहला अवार्ड सेरेमनी 2011 में हुआ था जब मैंने डायमंड का अवार्ड लिया था, उस समय गुजरात में एकमात्र प्रतिभा मैडम क्राउन डायरेक्टर थी, मैं उनको देखकर ऐसे मोटिवेट होता था कि अगर एक लेडी हाउसवाइफ जो घर बैठे, मतलब कि घर की मर्यादाओं को ध्यान में रखते अगर वो लेडी काम करती और वो क्राउन हो सकती तो मैं तो हो ही सकता हूँ। तो मैं, मुझे लगा कि अगर मैडम का चेक 1,00,000 रुपया है तो मैं जाकर नहीं आ सकता, क्योंकि उस समय गुजरात में कोई स्टोरी नहीं थी, सिर्फ प्रतिभा मैडम एक क्राउन डायरेक्टर थी। तो उनसे हम बहुत इंस्पायर होते थे शुरुआती दिन में, आज भी होते हैं। तो वहां से शुरुआत की थी, पहला चेक 141, 700, 1700, 4000, 10000, ऐसे करके बढ़ता गया। जब मुझे याद है कि 13वें महीने में, एट द मंथ ऑफ 13, मेरे अकाउंट में चेक आया था 1,03,000 रुपये समथिंग ट्रांसफर, तो मैं यकीन नहीं कर पाता कि 1,00,000 रुपया वेस्टी से मेरा आ सकता है, क्योंकि 1,00,000 रुपये लाइफ में कभी एक साथ देखा नहीं था। तो मानसिक स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि मैंने 3 बार कॉर्पोरेशन बैंक में एटीएम था, तो मेरा वहां से मैंने स्लिप निकाली थी कि यार वापस तो नहीं है, बैंक वालों की या वेस्टिज वालों की कन्वर्सर की कोई गलती तो नहीं हुई है कि 1,00,000 रुपया एक साथ। मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, भगवान रोज पूजा प्रार्थना भी करता हूँ, तो भगवान को मैंने बोला भगवान ये बड़े नहीं, कोई बात नहीं, कम मत करना, क्योंकि 1,00,000 रुपया कभी एक साथ, अभी अब सोचो 10-20-25,000 रुपये कमाने वाला इंसान अगर 1,00,000 रुपया उसको मिल जाए तो क्या उसकी मानसिक स्थिति हो सकती है। लेकिन ये सिस्टम की पावर है दोस्तों, के एक लेवल, मतलब कि एक, अगर आप
सही सिस्टम से काम करते हो, लोगों को एजुकेट करके काम करते हो, लोगों को उनके ग्रोथ के लिए काम करते हो, तो आपका ग्रोथ कभी भी नहीं रुक सकता दोस्तों। प्रेस्टीज में मैं एक ही सिद्धांत पे काम करता हूँ कि आपकी जेब भरने से ज्यादा अपनी डाउनलाइन की जेब भरे, उनकी जेब में पैसा आए वो बहुत जरूरी है। आज दोस्तों वो 1 लाख का चेक 1.5 हुआ 2 हुआ ऐसे करके 9.5-10 लाख तक पहुंच गया। तो मैं जब प्रेस्टीज में आया था तो इनकम की प्रॉब्लम थी, आज इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है, मतलब पहला पैसे कहाँ से आएगा ये प्रॉब्लम थी, आज पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये प्रॉब्लम है। तो पहले भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन पहले वाले से आज वाली प्रॉब्लम अच्छी है। तो ये मीठी प्रॉब्लम आप सब लोगों को आए इनकम टैक्स की, या पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना, मैनेज कैसे करना, ये सब प्रॉब्लम आप लोगों को भी आया है, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू। ये बात सच में बहुत अच्छी और आज भी उतनी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि सच में देखिए पहला लाख जब आता है तो एक बार विश्वास नहीं होता कि विश्वास नहीं होता वेस्टीज या कोई भी कंपनी मुझे 1 लाख रुपए दे सकती है, तो वो विश्वास नहीं। विश्वास हासिल करने के लिए एटीएम में से 3 बार स्लिप निकाल करके चेक किया कि हाँ ये मेरा ही है। और अब तो क्या है, 1 लाख के बाद 2 लाख 4 लाख 5 लाख 9 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग भी पहले लाख के लिए एफर्ट करिए, पहले लाख के बाद तो फिर आपको रास्ता खुद ही बखुद मिल जाएगा और फिर आप जितना कमा सकते हैं, क्योंकि वेस्टीज कंपनी देने के लिए बैठी है, 1 पर्सन को 1 करोड़ दे सकती है तो वो आपको भी दे सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो है वेस्टीज की कहानी। अभी बात करते हैं कल की, तो कल शाम को 4:30 बजे जैसा कि आप जानते हैं हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी, जो कि वेस्टीज के ट्रेनर हैं और उनका टॉपिक है लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन। तो अपनी टीम के साथ कल 4:15 से ज्वाइन करिएगा हमारी मीटिंग को। और आज कल्पेश सर ने बहुत अच्छी हमारी एक ट्रेनिंग ली है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, लोगों को बताना है, जो लोग नहीं आ पाए आज किसी वजह से उन तक आपको अपनी बात पहुंचानी है। तो थैंक यू सो मच कल्पेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। विश यू वेल। थैंक यू।